नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक बानो। आज हम बैठे हैं न्यूज रूम में और हम बात करेंगे संसद में पेश हुए बजट की। आज संसद में वित्त मंत्री ने इस साल का बजट पेश किया है, तो क्या कुछ खास रहा है, क्या कुछ महंगा सस्ता हुआ है, ये सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी चंदा कारपेंटर। तो चंदा, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि क्या कुछ महंगा रहा है इस बजट में? जी हाँ, देखिए, अब महंगाई की बात करें तो इस बजट में जो मोबाइल और जो गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतें अब बढ़ने वाली है। जो इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो बढ़ा दी गई है, और साथ ही जो महंगाई की आसमान छू रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो अब 100 तक पहुंच चुके हैं, तो वो आपको बता दूं कि इस पर एग्रीकल्चर सेस लगा दिया गया है। डीजल पर 2.5 रुपये और पेट्रोल पर 4 रुपये का एग्रीकल्चर सेस लगा दिया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा है कि इसका उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो सेस है वो सेस कंपनियों को देना होगा। तो अब देखना होगा कि क्या पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं या घटते हैं। और इस बजट में क्या कुछ सस्ता रहा है? जी, हम सस्ते की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इसमें महिलाओं के लिए अच्छी खबर है, जो उनको पसंद है ज्वेलरी। तो इस बार सोना चांदी के भाव में कमी आई है, गिरावट आएगी, और साथ ही जो इलेक्ट्रिक और लेदर के सामान है उनके दाम में भी गिरावट आएगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में किसानों के लिए क्या कहा गया है? जैसा कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान सरकार से नाखुश है, तो क्या इस बजट ने किसानों को खुश किया है? जी हाँ, देखिए, किसान और सरकार बिल्कुल आपस में बहुत गतिरोध बना हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जैसे 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। तो अब आम बजट में किसान के लिए क्या कुछ पेश करना सरकार के लिए वाकई चुनौती थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आम बजट में इस बार सरकार ने कहा है कि उनको MSP बढ़ाकर लागत से 1.5 गुना ज़्यादा देने का ऐलान किया गया है, और साथ ही किसानों को जो कर्ज के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मोदी सरकार किसानों की आय 2 गुनी करने का लक्ष्य रखे हुए है 2022 तक, तो अब देखना होगा कि क्या 2022 तक वाकई किसानों की आय 2 गुनी हो पाती है या नहीं। अब हमें बताइए कि ये बजट आम आदमी के लिए किस तरह का रहा है? जी बिल्कुल, आम आदमी और आम बजट आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। जब आज पेश होने वाला था आम बजट, तो आम आदमी की निगाह इस पर टिकी हुई थी, लेकिन इस बार थोड़े ये आम आदमी के लिए कुछ ज़्यादा असरदार नहीं रहा है, क्योंकि जो टैक्स स्लैब है उसको बिल्कुल छुआ नहीं गया है। जो आम आदमी को टैक्स से छूट, कहीं टैक्स स्लैब में छूट नहीं दी गई है और ना ही बढ़ोतरी हुई है। मतलब एक तरह से देखें तो मिडिल क्लास के लिए यह ज़्यादा असरदार नहीं रहा। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि युवा और शिक्षा के लिए इस बजट में क्या कहा गया है? युवा और शिक्षा की हम बात करें तो NGO, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर की मदद से जो सरकार 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान इसमें कहा गया है। सैनिक स्कूल पहली बार खोले जाएंगे, और साथ ही जो आदिवासी बच्चे हैं उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाएगी। और युवाओं की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि युवा, जैसे कि मोबाइल और गाड़ियों की कीमतें बढ़ने जा रही है, मोबाइल और गाड़ियों जो कि युवा शौकीन होते हैं, तो उनके भाव बढ़ने जा रहे हैं, तो वो काफ़ी उनके लिए दुख की बात होगी। आम बजट पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद थी हमारी सहयोगी चंदा कारपेंटर। इस तरह के खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ MP।